अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक्स इनफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 322 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गेस्ट पेपर। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से इनके आने के चांसेस 100% होते हैं। अगर आप लोग इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ईजीली हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दफ्तर की अहमियत, फ़राइज़ और दफ्तरी तफाइल के अनासर भी लिखें। नेज़ एक सरकारी दफ्तर किसी तजारती दफ्तर से किस तरह मुख्तलिफ है, फ़र्क बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मरकजी और शोभा जाती मसलदारी में फ़र्क बयान करें। नेज़ मसलदारी के मुख्तलिफ तरीक़ों का जायज़ा लें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी असामी या रोज़गार के लिए दरख्वास्त तहरीर करते वक्त किन अमवार का ख्याल रखना चाहिए। नमूने के तौर पर कामरन एंड कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट की असामी के लिए दरख्वास्त तहरीर करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मसलदारी निज़ाम की अहमियत लिखें और मसलदारी के अच्छे और कमज़ोर निज़ाम में फ़र्क वाजिया करें। नेज़ अमली ज़िंदगी में मसलदारी के कौन कौन से फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इस कालीफ वाला जुज है शारिया साजी से क्या मराद है, इसके मुख्तलिफ इकसाम और फ़ायद लिखें। जबकि इसका बेवाला जुज है दफ्तरी डाक की वसूली और तरसील का तरीकाकार तफसील से लिखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मौजूदा दौर में जदीद तरीन मशीनों की वजाहत करें। इनके इस्तेमाल की वजह से कंप्यूटर को जो अहम मुकाम हासिल है बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एजेंडा की तरीफ बयान करें। नेज़ एजेंडा का मकसद और इसके मंदारजात भी बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मुतकाबल हवाले से क्या मराद है, रिकॉर्ड के इंतज़ाम व इंसराम में मुतकाबल हवाले की अहमियत बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जवाबात की तैयारी के मरहला की वजाहत करें। नेज़ एक अच्छे और मियारी जवाब की खसूसियत बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका अली वाला जुज़ है रिकॉर्ड की मरम्मत, दुरुस्ती और तलफी के मुख्तलिफ तरीक़ों की वजाहत करें। इसका बे वाला जुज़ है एक अच्छे कारोबारी खत के मुख्तलिफ अज़ा और खसूसियात तफसील से बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कंपनी के आइनी अजलास, सालाना अजलास और हंगामी अजलास के अनकाद और मकासद तफसील से बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, दावतनामा के अहम लवाजमात लिखें। नेज़ नमूने के तौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अजलास का एक दावतनामा भी तहरीर करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इस काली वाला जुज़ है दफ्तर के 3 अहम कामों की तफसील लिखें और एक अच्छे दफ्तरी कारकुन के औसाफ बयान करें। जबकि इसका बे वाला जुज़ है जाती मुतअम्मद के फ़राइज़ बयान करें, एक अच्छे जाती मुतअम्मद की अहम खसूसियात बयान करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इन क्वेश्चंस के साथ साथ एक बार आप लोग अपनी पास्ट असाइनमेंट के क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि आपका 80% एग्ज़ाम इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके अलावा आपके पास्ट असाइनमेंट जो सी हैं उनके क्वेश्चन जो सी हैं इनमें से आता है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। मदरजा ज़ैल पर नोट लिखे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें जदीद कारोबारी दफ्तर के शोभा जात, नेक्स्ट है कारोबारी और सरकारी खत में फ़र्क, नेक्स्ट है शिकायती खत लिखने की वजूहत, एंड सेकंड लास्ट है दफ्तरी मशीनों की अहमियत, एंड लास्ट पॉइंट है इनसाइकोपीडिया के फ़ायदे। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ 322 का पेपर पैटर्न एंड पास्ट पेपर सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 शेयर किया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दिया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।